एक तरफ जहां पाकिस्तान की तो लुटिया ही डूब गई, पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा जम गया है, और अब ये जो गनशिप वाले हेलीकॉप्टर है ना, ये उड़ रहे हैं। क्या हुआ है पाक के अंदर? ऊपर से दूसरी तरफ एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, मतलब पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भारत से मांगे हैं डॉलर। किस काम के लिए मांगे हैं और क्या भारत ये डॉलर देगा? वैसे आपको बता दें, हिंद महासागर के इलाका में भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस भी है, जिसने 8,000 सैनिकों को उतार दिया है। बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिस तरीके से अब दोनों देशों के रिश्ते बढ़ रहे हैं, वो रिश्ते यूरोपीय यूनियन से लेकर डिफेंस तक सब जगह देखने को मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन में भी अब जहां फ्रांस बन रहा है चीफ यानी कि अध्यक्ष, तो इसका फायदा भारत को होता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखेंगे जितने भी विकसित देश हैं, उनका ध्यान दो जगह पे है, एक दक्षिण चीन सागर और दूसरा हिंद महासागर। दक्षिण चीन सागर में अकूत खजाने का भंडार तो जरूर है, लेकिन यहाँ के जो देश हैं छोटे छोटे, वो खुद ही लड़ रहे हैं चीन से, और चीन उनसे लड़ रहा है, इन संसाधनों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो अभी एक इलाका ऐसा बचा हुआ है जहाँ चीन भी घुसने की कोशिश कर रहा है, यूरोपीय देश भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका भी घुसने की कोशिश कर रहा है, और ये है इलाका हिंद महासागर का इलाका। इनका ये कहना है कि इस इलाके को मुक्त रखो, ऐसा न हो कि हमें टैक्स देना पड़े आने जाने के लिए, क्योंकि व्यापार का ये मार्ग है। वहीं यहाँ पर हर देश अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। अब ऐसे देखिए, आप सोचेंगे कि फ्रांस कहाँ है और यहाँ हिंद महासागर में आकर उसका क्या काम है? तो आपको बता दें, फ्रांस ने यहाँ पर बहुत सारे द्वीप कब्जाए हुए हैं। अभी भी फ्रांस के बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे कि इसके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मेडागास्कर के पास में है, वहीं रीयूनियन द्वीप, कोमरोस द्वीप, कॉर्जेट द्वीप, संत पाल, एमस्टरडम द्वीप, इस तरह के कई द्वीप हैं जो इस इलाके में फैले हुए हैं। और यहाँ फ्रांस ने 8,000 सैनिकों की तैनाती की है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये इलाका फ्रांस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर यहाँ जो चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? इसे कंट्रोल करने के लिए फ्रांस भारत को यूरोपीय यूनियन में लेना चाह रहा है, और यूरोपीय यूनियन में भारत काफी समय से घुसने की कोशिश करता रहा है, लेकिन चीन ने हमेशा भारत की एंट्री ब्लॉक की है। पर अब चूंकि फ्रांस इसे लीड कर रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारत इसमें घुसेगा। पर अब एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। समस्या ऐसे सामने आ गई है कि ये हिंद महासागर का इलाका है, जैसे श्रीलंका को देख रहे हैं हम। श्रीलंका के पास $35 बिलियन कर्ज है, लेकिन उसका 10% अकेला चीन के पास है। 10% एक बड़ा अमाउंट होता है। अब आप सोचिए कि इस पूरे इलाके में कई ऐसे जगह हैं जहां चीन ने अपना फंड पूरा खोल कर दिया है। यूरोपीय यूनियन भी चाहता है कि यहां इंडो पैसिफिक रीजन में यूरोपीय यूनियन भारत के साथ मिलकर काम करे, लेकिन अब भारत को भी यहां पर बड़ा रोल अपनाना होगा और भारत को भी ज्वाइन करना होगा यूरोपीय यूनियन को काउंटर करने के लिए। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ये चीज भी चाहता है कि जो फाइनेंस की इनिशिएटिव है यानी फंड वगैरह है, उसमें भी भारत को एंट्री लेनी होगी अगर इस इलाके में काउंटर करना है चीन को। तो अकेला यूरोपीय यूनियन ही नहीं बल्कि भारत भी पैसे लगाए, भारत भी इन देशों को कर्ज से बाहर निकलने में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाने में जिससे कि भारत का भी प्रभुत्व बना रहे, कोई एक देश अकेला मालिक न हो जाए, भारत पैसे लगाए। खैर, भारत वैसे ही इधर उधर दान दे ही रहा है। श्रीलंका को भी $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, इस तरह के कई दान दे ही रहा है। तो भारत को भी पैसे लगाने ही चाहिए जब एक मजबूत साथी के रूप में 27 देश मिल रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाक की तो हालत खराब हो गई है, और ऐसी खराब हो गई है कि लग रहा है कि बलूचिस्तान अब गया कि तब गया। हालात ये देखिए कि पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर उतरे हैं, वो गनशिप वाले, और वो भी संभाल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को। उसके ऊपर से जो बलूचिस्तान की आर्मी है, वो एक एक ऐसा खुलासा कर रही है जो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, जैसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के JCO को ऊपर का रास्ता दिखला दिया है बलूच आर्मी ने, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा एक
रडार फैसिलिटी लगा रखी थी अपने बेस पर, उस रडार फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया है। और यहीं तक नहीं रुका है चीज, बिल्कुल पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने तो जितने भी प्रांत है पाकिस्तान में सबको हाई अलर्ट में डाल दिया है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जो नौंसकी का इलाका है और जो कई और इलाके हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ बलूच आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है और जो इनके बेस बनाए हुए थे उन बेसों को कब्जे में ले लिया है। कई घंटे से ये कब्जे में है और अभी तक इनसे छुड़ा नहीं पाई है पाकिस्तानी सेना। जहाँ एक तरफ नौंसकी में ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ केपी के प्रांत में भी लगातार अटैक पर अटैक हो रहे हैं। अब एक तरफ जहाँ ये सब कुछ चल ही रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी विद्रोह शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ है तो IMF की शर्तों को माना है पाकिस्तान ने, मानने के बाद टैक्स को तो बढ़ा दिया है। लेकिन अब बड़ी समस्या ये आ गई है कि जब बलूचिस्तान इलाके पर कब्जा किया था पाकिस्तान ने, तब यहाँ पर मिलने वाले प्राकृतिक गैसों का बहुत दोहन किया और ये प्राकृतिक गैस पहुँचाए गए पाकिस्तान के अलग अलग कई हिस्से पर और खूब इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि ये प्राकृतिक गैस अब खत्म होने की कगार पर है और जैसे ही खत्म होने के कगार पर है पाकिस्तान अब जागा है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने तो साफ किया कि 2-3 सालों में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब उससे पहले ये जाग कर क्या कर रहे हैं, वो 135 अपने ही देश में ऐसे उद्योग हैं जिनको गैस आपूर्ति करना बंद कर दिया। अब जरा सोचिए, जो उद्योगपति है जिनकी फैक्ट्रियां गैसों पर चल रही हैं, उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। और ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये किसी भी देश में काफी पावरफुल होते हैं। इनके सड़क पे आने का मतलब है कि एक तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरा देश में उथल पुथल मच जाएगी। उद्योग बंद हुए तो देश में उथल पुथल तो मचनी ही है और जो बेरोजगार होंगे वो उत्पात ही मचाएंगे। अब जैसे ही ये आपूर्ति बंद की है, वैसे ही सैकड़ों उद्योगपति सड़कों पर उतर आए हैं और कराची के जो गैस कंपनी का मुख्यालय है वहाँ पे इतना बड़ा व्यापारिक समुदाय प्रदर्शन करने लगा है। इस प्रदर्शन में ये कहा जा रहा है कि तुरंत बहाल करो और नहीं तो ये आंदोलन और चलेगा। अब जरा सोचिए, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, IMF ने गजब ढा दिया है, TTP ने अलग, और अब उद्योगपति भी उतर आए हैं। पाक की हालत तो वैसे ही खराब हो गई है। पाक जो भारत को तोड़ने के चक्कर में था, अभी वो कितना बचेगा वो भी कहना मुश्किल हो गया है। टुकड़े होने लगता है तय ही है, क्योंकि इतनी जल्दी बहाल कहाँ से करेगा। गैस रहेगा तभी तो बहाल करेगा और पैसे रहेंगे तभी तो कहीं से मंगवाएगा भी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूरोपीय यूनियन में पैसा लगाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।